असलम वालेकुम जी, क्या हाल है प्यारे भाई? सारे ठीक है? और सुनाए, कैसी जा रही है लाइफ? तो वेलकम करते हैं आपका एक और व्लॉग में। तो यार, मेरा आज व्लॉग बनाने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था प्रोग्राम। आप सोच रहे हैं दूर दूर तक नहीं था प्रोग्राम, लेकिन बनाना पड़ रहा है यार, एक काम आ गया। मैंने कहा साथ साथ व्लॉग भी निकाल लेते हैं। आज प्रोग्राम ये था कि आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट बनाकर आपको पीसी वगैरह का सेटअप दिखा देंगे, तो बाकी थोड़ा और कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं है। तो ये है कि ऊपर ऊपर से आपको दिखा देते हैं ना, बाकी एक काम है आगे, रावलपिंडी जाना पड़ रहा है, तो उधर आपको साथ लेके चलेंगे, थोड़ा शिशके वगैरह आपको दिखाएंगे क्या कुछ बनता है उधर। तो या बाकी आपको थोड़ा सा पीसी वगैरह दिखा देते हैं। और सुनाए, कैसे हैं प्यारे भाई? सारे ठीक हैं? कैसी चल रही है लाइफ? बाकी यार, वो मोटर नहीं होती पानी वाली, वो ख़राब हो गई है ना वेल की, तो उसको थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करवाना है, तो उसको लेके जाना पड़ रहा है बाइक पे। तो इनशाला आगे जाके आपको मिलेंगे, क्या कुछ बनता है उसका। वो तो जल गई है सारी, खत्म हो गई है, मतलब उसका नया नहीं लानी पड़ेगी या ठीक करवानी है, या कि डिसाइड करेगा वो बंदा। तो बाकी आपको ऊपर ऊपर से अपने पीसी का सेट दिखा देते हैं ना, तो इनशाला आगे जाके आपसे मुलाकात होती है ना, जहाँ पे जाते हैं। बाकी आपको मोटर वगैरह भी दिखाते हैं जो चल गई है। तो ये है यार पीसी, ये आपके भाई का पर्स पड़ा हुआ है, देख लो, 1 रुपया है अंदर। तो ये मॉनिटर है यार, देख लो, स्लिम स्मार्ट है, बेजल लेस है। और ये वाला मोबाइल मेरा पड़ा हुआ है, दूसरा सैमसंग का है। तो ये चेयर है यार, ये मेरे भाई ने परचेज़ की थी इस्लामाबाद से, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो ये मतलब उसने स्टार्ट किया था ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उसके लिए उसने ली थी, लेकिन अभी वो दुबई चला गया है। तो उसका चैनल है एक, मैं इंशाल्लाह आगे दूंगा उसका लिंक, जाके यार व्यू वगैरह करना। तो ये यार थोड़ा सा सेटअप आपके भाई का, इसी पे सॉन्ग एडिटिंग वगैरह करता रहूँ। तो ये है पी सी, ये है पी सी, ये है वूफर, और ये छोटी मोटी चीज़ें आपके भाई के खेलने वाली पड़ी हुई हैं। तो बाकी यार लेके चलते हैं आपको, तो फिर उधर देखते हैं क्या कुछ बनता है, तो क्या कुछ करना है ये अल्लाह जानता है, आगे चलेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, तो कैसे हैं यार? अभी तक पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यार अभी इस बंदे को कार में लाने लगे हैं। ये बाइक भाई का, ये आपका भाई जूते पहने हुए, और ये है वो जो ख़राब हो गई है मोटर। तो ये मॉडल टाउन है, इस्लामाबाद में आता है ये। तो इधर यार एक बंदे से मिलना है, तो उससे फिर मोटर वगैरह का जुगाड़ लगवा के, अगर जुगाड़ लगता है तो वो भी, वरना ठीक करवा के फिर चलते हैं आगे। चलेंगे ना तो फिर मोटर जहाँ पे ठीक करवानी है वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो वैसे मुझे बनाना व्लॉग याद नहीं रहा, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। ये है जी आपके भाई का बाइक, और ये है साथ में मोटर। फिर देखते हैं, ये यार बाहर नहीं आता है, ये मॉडल टाउन आप कहीं बंदे इंडस्ट्रियल एरिया है साथ। तो ये है आपका भाई। तो यार बेड़ा गर्क हो गया, इधर खड़ा हो के गर्मी ने आग निकाल दी है। तो बाकी अभी तक वो बंदा नहीं है जिसको बुलाया हुआ, तो बाकी मिलता है तो आपको बताते हैं। तो ये देखें, ये ख़राब हो गई है यार, इसने जलील करवाया हुआ है ये बाइक। तो देखते हैं इसका क्या बनता है, तो फिर करते हैं इसका कुछ जुगाड़, तो वापसी करते हैं फिर इधर से आके, और भी काम अभी। यार फुल गर्म मौसम है, गर्मी ने आग निकाल दिया आज, तो बेड़ा ही गर्क हो गया है ना सर का। हेलमेट ना होता तो पता नहीं कुछ भी नहीं था बचना। ऑल ओवर हो गया यार, तो थोड़ा बहुत काम है, तो कहते हैं ये मोटर वगैरह का मसला हल करवाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं यहाँ से। बाकी यार ये देख लें आपके भाई के, बेड़ा गर्क हो गया है बालों का, चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है। बाकी यार धूल मट्टी इतनी ही है ना, बारिश है एक दो बार हुई है, लेकिन उसके बाद नहीं, बारिश का सीन ही नहीं पड़ रहा। धूल मट्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया है बालों का, देख बालों का क्या पूरे हालात ही ख़राब हो गई यार। बाकी इसको सेट वगैरह करवाते हैं, तो देखते हैं आगे क्या बनता है। समझदार
हाँ जी, तो यार सीन कुछ ख़राब हो गया है, मोटर वगैरह का लंबा काम खुल गया है। वो कह रहे हैं कि शाम को आना है, तो अभी आपका भाई जा रहा है घर। तो ये यार देखो गंद वगैरह पड़ा है इधर, मैं इधर इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि थोड़ा सा साया है तो गर्मी बहुत है। ये देख सकते हो, ये कई बंदों को ये रोड पता होगी, वो जानते हैं इसको सही गहरे तरीके से, कई बंदे इस्लामाबाद के होंगे। तो बाकी यार मिलते हैं घर चल के, थोड़ा सा फ्रेश होना है घर पे जाके, क्योंकि गर्मी इंतहा की है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फ्रेश होना है, तो फ्रेश हो के थोड़ा सा ब्लॉग करेंगे आगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं, चलते हैं घर। तो फिर क्या कुछ करते हैं देखते हैं आगे क्या करना है। तो पानी वगैरह का तो बहुत बड़ा सिस्टम बंद हो गया है ना, मतलब आपको पता है कि सबके भाई की फैमिली भी थोड़ी सी बड़ी है, तो फिर पानी ना हो तो दूसरा ऑफर सही है रोला। तो चलते हैं देखते हैं क्या बनता है। तो इधर से तो इनकार हो गया, वो कह रहे हैं कि शाम को आना है, तो शाम को आगे आप पता करें, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा काम है, तो हम इतना नहीं कर सकते कि जल्दी जल्दी, आपका काम ज़्यादा है इस बाइक मोटर का, सॉरी बाइक कह दिया। तो चलते हैं घर, फिर देखते हैं क्या बनता है, क्या कह सकते हैं आप। तो गर्मी बहुत है यार, इधर थोड़ा घूमना था लेकिन गर्मी की सूरत हाल देख कर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि घूमें, सीधा घर का प्रोग्राम बन रहा है। जी तो यार आपका भाई फ्रेश वगैरह हो गया, उधर से वापसी हो गई थी, आपको बताया बहुत ही गर्मी थी जालम की, तो जुल्म हो गया आपके भाई के साथ, इतनी गर्मी थी। तो ऊपर से यार वो स्यापा दोबारा जाना पड़ेगा, वो भी ठीक नहीं हुआ। तो ये था कि आज थोड़ा फंक्शन भी है घर पे, तो उसको भी हैंडल करना है। तो जब भी कोई फंक्शन हो ना घर में, तो ये कोई ना कोई स्यापा निकल आता है घर का। अभी वो देख लो वेल की मोटर जो है वो जल गई है, तो उसको उधर लेके गए, तो वो मैकेनिक कहता है कि इसका काम ज़्यादा है, मुझे कहीं और काम पे जाना है, तो वापसी इसको ठीक करूँगा, शाम को आप ले जाना। तो शाम को फिर जाएंगे चेक करेंगे। तो बाकी यार भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखिएगा यार।